हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सांचौर के जेल में बंद 20 कैदियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, अन्य कैदियों में संक्रमण का भय, जेल प्रशासन हुआ सतर्क। जालौर जिले में लगातार कोरोना का कहर बरकरार है, अब कोरोना का संक्रमण जेल में बंद कैदियों तक जा पहुंचा है। दरअसल जिले के सांचौर के उप कारागृह में 20 बंदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जेल प्रशासन व अन्य बंदियों में हड़कंप मचा हुआ है। जेल प्रशासन के मुताबिक चिकित्सा विभाग की ओर से कल जेल में बंद 51 कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए थे। ऐसे में चिकित्सा विभाग की ओर से जांच के लिए भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट में 20 बंदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है। एक साथ 20 कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जेल प्रशासन भी चौंका हुआ है। आखिरकार जेल में बंद 20 कैदी कैसे संक्रमित हुए? हालांकि कोरोना काल के चलते जेल में बंद बंदियों के परिजनों से मुलाकात का सिलसिला भी बंद है, लेकिन एक साथ 20 बंदियों में कैसे संक्रमण फैला? जालौर जिले का ये पहला मामला है जिसमें जेल में बंद कैदियों की सैंपलिंग के बाद रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल जेल प्रशासन की ओर से पॉजिटिव मिले कैदियों को अन्य कैदियों से अलग बैरक में रखा गया है। जेल प्रशासन के मुताबिक उच्च अधिकारियों के निर्देश पर संक्रमित मिले कैदियों के आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जेल प्रशासन की ओर से पूरी सतर्कता बरतते हुए संक्रमित पाए गए बंदियों को अलग मैरिट में रखा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग सहित मास्क पहनने की भी विशेष हिदायत दी गई है। जेल इंचार्ज एवं उप कारागृह पहरे दिनेश कुमार ने बताया कि सांचौर चिकित्सा विभाग टीम द्वारा जेल में बंद 51 बंदियों के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए थे, जिसमें आज आई रिपोर्ट में जेल में बंद 20 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। पॉजिटिव मिले बंदियों को अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। वो लगातार कोविड-19 से बचाव और रोकथाम को लेकर सतर्कता बरतती जा रही है। पॉजिटिव मिले 20 बंदियों के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। आगे के दिशा निर्देश के अनुसार आगे की प्रक्रिया की जाएगी। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ओम प्रकाश सुतार ने बताया कि चिकित्सा विभाग टीम ने सांचौर के उप कारागृह के बंदियों के 51 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे, जिसकी आज आई रिपोर्ट में 20 बंदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। पॉजिटिव मिले बंदियों को अलग से बैरक में शिफ्ट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोविड-19 के मद्देनजर गाइडलाइन की पालना को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।